नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे और मैं सोनू मिश्रा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस क्लास में तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए सेशन की शुरुआत शुरौार, शुरुआत करते हैं खांसी के साथ है ना तो अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग मंथ के रिविजन देखे हैं वैसे ही लास्ट टाइम जब एक दिन पहले जब क्लास हुई थी आपकी

जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर देने जाने देने जा रहे हैं उनके लिए शुरुआत हो चुकी है शंखनाथ की दो दिसंबर से शुरू होगा आपका सेशन पाँच सौ घंटे की लगातार आपकी मैराथन है तो सबको सबको वहाँ पे रहना है सबको वहाँ पे वो करना है ठीक है अपनी प्रेजेंस दिखानी है तो हेलो गणेश हेलो <laughs> मीनाक्षी हेलो आकृति हेलो लकी हेलो रिक्शा हेलो दीपक हाँ जी तो बहुत सारा वेलकम है आप सभी लोग का तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं है हाँ ना हाँ तो <coughs> ये आपका बहुत प्यारा सा वेलकम इसमें प्यारी सी लाइने लिखी हैं कि जो भविष्य ठीक है जो अपना भविष्य आनंद में बनाना चाहता हैं उन्हें अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए हमेशा जब आज आप मेहनत करेंगे तो कहीं जा करके साल डेढ़ साल दो साल बाद उस मेहनत का परिणाम आपके पास आएगा है हा ना हाँ तो मेहनत करते रह करिए ठीक है तो सेशन शुरू करते हैं और आज थोड़ी सी अगर एनर्जी कम लगे तो परेशानी होना मतलब मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी बहुत तबियत इधर उधर होती ही रहती है है ना इस चीज को भी ध्यान रखना तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं उससे पहले शंखनाथ के बारे में मैंने बताया ध्यान रखिएगा दो दो दिसंबर सुबह छह बजे से आपकी इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी है ना हाँ जी आगे चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है हाँ जी पहला क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट बताओ किन्होंने कितने सिक्के से वायु सेना के नए वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है तो भारतीय वायु सेना के नए चीफ कौन बने हैं फटाफट बताओ हाँ और वायु सेना के अध्यक्ष कौन है ये भी बताइएगा जल्दी-जल्दी बताओ <coughs> हाँ जी हेलो चंदा पिड बैच में अभी क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी है ना आ, उसके लिए आप डायरेक्ट आपके चैट बॉक्स के ऊपर लिंक पिन है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के आप वहां पर जाकर के डायरेक्ट लिंक को क्लिक करेंगे पहुंच जाएंगी नहीं तो फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए उसके बाद मैं आपको बता दूंगी ठीक है हाँ जी अच्छा ऐसा क्या मैं ठीक करवाती हूँ है हा ना हाँ डी okay. ओके तो भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बने हैं तो नए वाइस चीफ बने हैं आपके ए पी सिंह है ना कौन बने हैं तो आपके ए पी सिंह चीफ बने हैं और भारतीय के अध्यक्ष का नाम किसको पता है हाँ जी अध्यक्ष का नाम किसको पता है <laughs> फटाक से बताओ भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है फटाक से हाँ जी अगला देखो अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री Uh, आंध्र प्रदेश के uh, क्या कहते हैं मुख्यमंत्री की नई uh, मुख्यमंत्री ने नई राजधानी के रूप में घोषित किया है तो किसे घोषित किया है है ना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई राजधानी के तौर पे किसे घोषित किया है तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी होगी कौन सी होगी हेलो इतुसी हाँ जी यहाँ पे ना बच्चों की शिकायत है कि लिपसिंग इधर उधर जा रही है मतलब कि आवाज़ पहले जा रही है आप बोल बाद में रहो तो इस चीज़ को ठीक करना है है हाँ ना हाँ जी विवेक राम चौधरी बहुत अच्छी दीक्षा भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं ठीक है देखिए तो अगर बात करें आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की तो ये बनी है आपके विशाखापत्तनम ठीक है विशाखापत्तनम अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा था कि हमने तेलंगाना दिवस मनाया है ठीक है तेलंगाना दिवस तो तेलंगाना दिवस ये दो जून को मनाया जाता है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की ही एक ही राजधानी थी वो थी हैदराबाद हैदराबाद को चेंज करके आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी कर दी है आपके दो राजधानी आंध्र प्रदेश के पास एक है आपके विशाखापटनम दूसरी अमरावती है अमरावती ध्यान रखिएगा अगला देखो अगला क्वेश्चन है भारत का अगला औषधि महानियंत्रक के लिए निम्नलिखित में से किसे किसकी सिफारिश की, की गई है तो भारत के अगले औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं कौन बने हैं फटाक से बताओ औषधि हाँ, महानियंत्रक भारत के और फटाफट सेशन को शेयर कर दो चलना है हाँ ना हाँ जी तो भारत के औषधि महानियंत्रक के तौर पे नियुक्ति हुई है आपके राजीव सिंह जी की ठीक है लेकिन इस टाइम पे ना ये क्वेश्चन अगर पूछे ना पूछे बट ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू जी बहुत ज्यादा चर्चा में हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे भारत के कैग हैं और उन्हें यूनाइटेड नेशन में आपके कैगों के उपाध्यक्ष के तौर तो पर नियुक्त किया गया है ठीक है तो यूनाइटेड नेशन के बाह लेखा परीक्षक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं तुम्हारे कैग बने हैं है ना इनके अलावा अगला देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कि से किसे जीवन रक्षा पदक से नहीं मतलब कि सम्मानित नहीं किया गया है तो जीवन रक्षा पदक से किसी सम्मानित नहीं किया गया है सेना में अलग अलग टाइप के पदक दिए जाते हैं ठीक है सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है परम वीर चक्र फिर आता है महावीर चक्र फिर होता है वीर चक्र अशोक चक्र कीर्ति चक्र और सौर्य चक्र ठीक है ऐसे ही आपके तटरक्षक पदक होते हैं और आपका एक एक पदक है जिसका जो कि आपके सामने है जीवन रक्षा पदक है ना जीवन रक्षा पदक तो उनमें से किसी नहीं दिया गया है नहीं दिया गया है जितेंद्र रावत को बाकी आपके जयपाल सिंह सुरेंद्र कुमार और बुद्ध सैनी इन्हें दिया गया है इनका नाम ध्यान रखिएगा ठीक है ये रही बात आगे चलो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स दो का खिताब किसने जीता है किसने जीता है <coughs> है ना ठीक है तो टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब किसने है जीता है? फटाफट बताओ हाँ जी है हा ना तो यहाँ पे टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता गया है आपके अनिश गिरी के द्वारा ठीक है अनिश गिरी के द्वारा ये सिंपल सा क्वेश्चन है पूछे तो ठीक नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके अलावा अभी हमारे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं रतन टाटा जी उन्हें आ, क्या कहते हैं अलग उन्हें ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में बुलाया गया सम्मानित किया गया इसके अलावा असम वैभव पुरस्कार उन्हें दिया गया और अभी तक की वर्तमान स्थिति में भारत की सबसे सम्मानित और सबसे बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट में टाटा की जो जितनी भी कंपनियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं अभी गिग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छी कंपनी कौन सी देखी गई थी बिग बास्केट बिग बास्केट के ओनर कौन है तो वो टाटा के अंतर्गत ही आने वाली कंपनी है उसको ध्यान रखिएगा ठीक है ये रही बात अगला देखो अगला क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या रहने की उम्मीद है तो ये जो जीडीपी ग्रोथ है अलग अलग टाइम पे अलग अलग आती है हर छः महीने सात महीने में चेंज हो जाती है बट ठीक है तो दो फरवरी का एक क्वेश्चन है तो 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या हो सकती है बताओ कल आपके दब, कल क्लास नहीं हुई थी चूंकि तबियत ठीक नहीं थी मेरी अभी भी नहीं है लेकिन थोड़ी सी बेहतर है तो मैंने कहा कि चलना चाहिए यार घर में रह के करेंगे क्या है <laughs> ना कि ये भी ये भी बड़ी दिक्कत है कि आप अगर बाहर हैं काम करना शुरू किए हैं घर में अच्छा नहीं लगेगा आपको एनी हाउ अच्छा नहीं लगेगा हेलो सुरुचि हाँ जी तो कितनी ग्रोथ बताई गई है जीडीपी को लेकर के तो ग्रोथ है आपकी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट की ठीक है हाँ ये जीडीपी आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड की जाती है कि कितना हम ट्रेड करेंगे कितनी भारत में इनकम आ सकती है उस चीज़ को लेकर के है ना अलग अलग बैंक जारी करते हैं भारत की पूरी ओवरऑल बैंकों की बात करें तो उनके हेड है आपके आर और उसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी ठीक है जिन्हें भी चेंज मेकर अवार्ड मिला है और उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है ठीक है आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि इकतीस जनवरी दो को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है तो इकतीस जनवरी दो हजार तेईस को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया फटाक से बताओ हाँ जी। राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है इसीलिए कहते हैं ना कि आ, रिवीजन करते रहना चाहिए। तो ये हुआ है आपके 31वां स्थापना दिवस। तो यहाँ पे हमें दिमाग में होना चाहिए ना कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में, ठीक है? 1992 में तो एक तीसवा स्थापना दिवस मनाया गया है इसी के साथ 1992 से याद रखिएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट के भी तीस साल पूरे हुए थे उस उसलक्ष में काजीरंगा नेशनल पार्क में हमने गज उत्सव सेलिब्रेट किया था आप फटाक से बता दो कितने लोगों को पता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष इनका नाम क्या है बहुत बढ़िया है ना इनका नाम है रेखा शर्मा रेखा शर्मा इनका नाम है ठीक है ये नाम ध्यान रखिए पूछा जा सकता है तो ये रही बात अगला देखो अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मॉडल जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन या फिर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है तो जी ट्वेंटी समिट अभी 2023 में कहाँ हो रही थी हमारे भारत में चल रही थी ठीक है तो 2023 की अध्यक्षता भारत ने भारत ने की और इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के पहले मॉडल जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है तो ये किया है हमारे अमिताभ कांत ने ठीक है अमिताभ कांत ने ये कौन थे इनका नाम क्यों जरूरी है क्योंकि जी में जी के शेरपा है ना शेरपा किसे नियुक्त किया गया था

सीन 1 मींस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने दिया है तो आ, किसे दिया गया है <laughs> तो पहले सिनवॉन मींस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है बताओ अच्छा सिनवॉन का नाम तो आपने सुना होगा ना क्रिकेट बड़े प्रसिद्ध क्रिकेटर थे आ, कहां किस देश से बिलोंग करते हैं बताना सिनवॉन कहां किस देश से बिलोंग करते हैं फटाक से बताओ क्रिकेट प्रीमियम हाँ जी किसे दिया गया है सेनवॉन क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये अभी 2023 में ही इस अवार्ड की घोषणा हुई है और इसको दिए जाने का पहला संस्करण है जो कि, कि किस देश ने लॉन्च किया है ओके आंसर आना शुरू हो गए हैं उस्मान ख्वाजा आंसर देख रहे हैं उस्मान ख्वाजा ओके देख लेते हैं एकदम सही आंसर है उस्मान ख्वाजा सनवान खिलाड़ी थे आपके ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने सनवान जिनके अभी लास्ट ईयर डेथ हो गई थी तो उनके सम्मान में ये पुरस्कार देने की घोषणा की यह पुरस्कार केवल क्रिकेटरों को दिया जाता है और जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो ये दिया गया है उस्मान ख्वाजा को ठीक है और ये पहली बार दिया गया फर्स्ट एडिशन था इस अवार्ड का ठीक है इस अवार्ड का तो इसको ध्यान रखना <coughs> आगे देखो अगला क्वेश्चन है मुरली विजय ने, ने हाल ही में सनाश की घोषणा की है वो किस खेल से संबंधित है मुरली विजय कौन सा खेल खेला करते थे को शेयर कर दो, चलना बिल्कुल बीमार हो यार है ना मुरली विजय ये किस खेल से संबंधित है बिल्कुल बिल्कुल है हा ना हाँ जी तो इनका खेल अगर देखा जाए तो सा आंसर होगा आपका क्रिकेट मुरली विजय का नाम आपने क्रिकेट में कई बार सुना होगा है ना तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है इन्होंने आपके सन्यास की भी घोषणा की है वैसे इंटरनेशनल मैच खेलने की पाबंदी मतलब इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल मैच मैच नहीं खेलेंगे आपके नेशनल मैच में इनकी भागीदारी देखी जाएगी अगर ये चाहेंगे तो ऐसा आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि किसे आ, मतलब कि निम्नलिखित में से किसे ला रिव्यू के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है ये क्वेश्चन इतना नहीं इंपॉर्टेंट होगा आप इसे स्किप मार सकते हो ठीक है हाँ जी तो ला रिव्यू के अध्यक्ष ये बने हैं आपके अप्सरा ए एयर है ना अप्सरा ए ये उत्पटांग क्वेश्चन छोड़ दो इसे आगे चलो अगला क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग 2023 का उद्घाटन किस शहर में आयोजित किया गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अभी तक आपने देखा था कि हमारे भारत में आईपीएल की तर्ज पे एक एक खेल की शुरुआत हुई थी जिसे हम डब्ल्यू कहते हैं तो एक साइड आपका आई और एक साइड हो गया आपका डब्ल्यू है ना डब्ल्यू तो डब्ल्यू का फर्स्ट एडिशन दो में खेला गया है इस इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी तो इस आई में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सभी खिलाड़ी मिल के खेल खेलते हैं क्रिकेट का है ना सबको पता होगा इसकी दो विजेताएं टीम दो विजेता टीम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार आपके आईपीएल खिताब जीता है पहली है मुंबई इंडियंस दूसरी चेन्नई सुपर किंग है कि नहीं ये वाला पोर्शन डब्ल्यू पी एल की बात करें पहला एडिशन दो हजार तेईस में खेला गया शुरुआत हुई थी आपके मुंबई से ठीक है शुरुआत हुई थी मुंबई से और खत्म हुई मुंबई में ही हुआ है और जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा ठीक है हाँ जी तो जीता है मुंबई इंडियंस ने ठीक है ये ध्यान रखिएगा आगे चलिए अगला क्वेश्चन है कि ड्रोन के लिए पहला अनमेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है अनमेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अभी हाल ही में किस देश में शुरू किया गया है अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आ, कि चाइना के द्वारा अब उड़ने वाली टैक्सी की भी शुरुआत हो चुकी है एक तरीके से वो ड्रोन का ही एक विकसित रूप है जो कि लोगों को एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है कि आपके अन आ, ड्रोन के लिए पहला था हमारा भारत ठीक है भारत अब ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा जैसे हम रेलवे से सफर करते हैं तो रेलवे का अपना एक ट्रैक होता है रेल लाइन बिछी होती है है ना वैसे ही हम अगर रोड से सफर करते हैं तो रोड रोड आपको दिखते हैं रोड बनाई जाती है अलग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है जो बताता है कि आपको ये रूट फॉलो करना है ठीक है वो दिखता नहीं है बट उनके मैप में वो रूट रहता है कि हमें यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे उड़ के यहाँ तक जाना है तो उसी हिसाब से ड्रोनों का भी रूट बनाया गया है कि ड्रोन इस रूट को फॉलो करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए ठीक है तो ये लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा हमारा भारत और भारत ने खोज कर दी सारी चीजें बना दी चाइना बोला अरे यार इस रूट को फॉलो हम करेंगे उड़ने वाली टैक्सी हम बनाते हैं चल उड़ा के भेज देंगे है ना ऐसा तो पापा बोलेंगे बेटा तुम बहुत उड़ते हो उस टाइम बुरा नहीं लगेगा बुरा लगता है क्योंकि हम उड़ते ही नहीं है ऐसा आगे देखो <coughs> अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए बताओ लिथियम के भंडार कहाँ पे है पापा की परियां तो उनको उड़ानी जरूरत ही नहीं ऐसी उड़ जाती हैं हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या हुआ क्लास को क्या हुआ रानी क्लास को बताओ अच्छा क्या हो रहा है क्लास को एक बार फिर बुला के दिखवा देते हैं क्योंकि अभी तक तो सब ठीक चल रहा था हो सकता है कहीं पर दिक्कत आ रही हो है ना हाँ जी देखिए तो लिथियम के भंडार भारत में कहां पर पाए गए हैं तो ये भंडार मिला है आपके चेन्नई में कहां पे आपके चेन्नई में भंडार पाए गए हैं ठीक है इसके अलावा लिथियम का उपयोग हम किस में करते हैं तो लिथियम का सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो किया जाता है आपके अः क्या कहते हैं अरे चेन्नई टिक कर रहे हो यार वही मैं सोचू की चेन्नई हो कैसे सकता है हाँ जी चेन्नई नहीं यहाँ पे जम्मू कश्मीर होना चाहिए भारत में दो जगह आपके लिथियम के भंडार पाए गए हैं एक है जम्मू कश्मीर दूसरा है, दूसरा है राजस्थान माफ करना है हाँ ना? हाँ। तो लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं तो ये पाए गए हैं आपके जम्मू कश्मीर सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार थे अब एक जगह और ओपन हुआ है लिथियम के भंडार खोजे गए हैं वो है आपका राजस्थान तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में दूसरा राजस्थान में लिथियम का उपयोग हम करते किसमें हैं तो हम करते हैं बैटरी बनाने में है ना बटरी बनाने में तो जब बटरी बन के तैयार हो जाती है तो हमें जरूरत होती है आ, क्या कहते हैं उनको अलग अलग मार्केट तक पहुंचाने की उसके लिए भी योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने अभी तक क्या होता था कि हम दूसरे देशों से लिथियम खरीदते थे फिर बैटरी बनाते थे या फिर बनी बनाई बैटरी खरीदा करते थे जिससे हमें ज्यादा नुकसान होता था बट अब भंडार मिले हैं अब हम खुद ही दूसर, दूसरे देशों को लिथियम भेजा करेंगे ऐसा आगे चलो अगला क्वेश्चन है कि विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है कब मनाते हैं विश्व दलहन दिवस <laughs> अच्छा अरे नहीं निशो <laughs> हमेशा ना प्रायोरिटी में ऐसी क्लासेस रखनी चाहिए जो आपको ज़्यादा समझ में मतलब कि आपको ज़्यादा जहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत हो ये मैं बहुत फेयर होके कह रही हूँ वैसे सारे टीचर यही चाहते हैं कि बच्चे हमारी क्लास में रहें बट हमेशा जब भी आपको लगे कि तीन चार क्लासेस इकट्ठा चल रही हैं आपको भटकाव आ रहा है तो दिमाग में एक चीज़ें क्लियर रखिए कि हमेशा अगर मैथ की क्लास चल रही है तो मैथ की क्लास को हमेशा प्रायोरिटी में रखिए क्योंकि वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है है ना और दूसरा कि अगर इंग्लिश वगैरह की कोई क्लास है वहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद आप जीएस का सेक्शन चूज करें तो बेहतर होगा क्योंकि जीएस आपको याद करना पड़ेगा आप उसे बाद में भी देख करके के कहीं पे नोट कर सकते हो याद कर सकते हो बट ये दोनों बड़े समझने वाली चीज़ें होती हैं यार दिमाग लगाना पड़ता है तो अगर एक बार यहाँ पर देख लिए एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं ये होता है है हाँ ना ये रही बात अरे मिटना नहीं चाहता ये है। हैंग हो गया क्या वन <laughs> टू चाचा चा चाचा काम नहीं कर रहे हैं छोड़ो चाचा को जरूरत नहीं है काम करने की छोड़ो इसका आंसर बताओ कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है कब मनाते हैं विश्व दलहन दिवस तो दलहन दिवस की शुरुआत हुई है आपके 10 फरवरी से है ना 10 फरवरी से और भारत दलहन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है या कह लें कि जब डाटा अलग अलग समय के हिसाब से आता है तो कई बार हम पूरे विश्व भर में प्रथम स्थान भी रखते हैं है ना इसके अलावा सोयाबीन के प्रोडक्शन में हमारा भारत विश्व में बहुत अग्रणी है इसके अलावा भारत में अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में आपके आपके लीची और मखाना इनके उत्पादन में भी भारत नंबर वन पे चलता है ठीक है ये रिवाज आगे चलो अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आयोजित केन्या लेडीज ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है तो केनिया लेडीज ओपन 2023 का खिताब किसने जीता आदित्य अशोक दीक्षा डांगर स्मृति मेहरा अनिशा पादुकोण क्या लगता है आगे हाँ जी थोड़े से ही क्वेश्चन होंगे मतलब Uh, हिम्मत नहीं, नहीं तो अभी तक तो, तो हम आधा ज्यादा कर लिए होते बट ठीक है जहां तक होगी हम पढ़ेंगे तो केन्या लेडीज ओपन का खिताब किसे जीता जीता है है तो ये जीता है आपके अदिति अशोक ने ठीक है अदिति अशोक ने आप इसे भी स्किप कर सकते हो क्वेश्चन शायद ही पूछे है ना आगे चलो अगला क्वेश्चन है, है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किस शहर में किया गया यहाँ पे यू उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स को अगर टारगेट करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा बाकी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो सबसे पहली हुई थी वो हुई थी आपके इंदौर में है ना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी जी ट्वेंटी के अंतर्गत वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी जो कि लास्ट टाइम पेपर में पूछा भी जा चुका है जिस टाइम जी एकदम स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे तो यू यूपी में कहाँ पे हुआ ये हुआ लखनऊ में बल्कि आप इसके अलावा लखनऊ से ये याद कर सकते हो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 हजार तेईस कहाँ पे हुआ है आपके लखनऊ में ठीक है लखनऊ में अभी गुजरात रोड शो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था लखनऊ में है ना लखनऊ में आगे चलो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बीके एस वर्मा का में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित है ना बीके वर्मा कौन से किस देश से किस आ, क्या कहते हैं किस क्षेत्र से संबंधित हैं तो ये बी के वर्मा की बात करें तो ये थे कलाकार है ना ये आर्ट से संबंधित हैं लेकिन निधन से वैसे क्वेश्चन अभी कम ही आ रहे रेयर क्वेश्चन आ रहे हैं बट यहाँ पे आप निधन से गोपाल गोखले का नाम जरूर ध्यान रखिए <laughs> गोपाल गोखले है ना गोपाल गोखले महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध अभिनेता थे इनके नाम पर अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने पुणे के एक रोड का नाम भी चेंज किया है ठीक है तो इनका नाम जरूर ध्यान रख सकते हैं निधन में आगे चलो अगला क्वेश्चन है कि आ, ए टी, ए टी, से में किसे सम्मानित किया गया है तो टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है हाँ ही लोग लगाते हो यहाँ पे आके बोलना शुरू करते हैं तुम ही लोग बोलते हो ऐसा ऐसा <laughs> मम्मी आएंगी, फिर कुछ होगा हम्म हाँ। अच्छा एक बात बताएं हमेशा ना एक चीज महसूस आप आप पता नहीं लोगों को होती नहीं होती है लेकिन जब भी घर में कोई बड़ा होता है या फिर घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी कोई भी अगर बड़ा पर्सन मौजूद है आपको कभी कुछ नहीं होता कभी भी कुछ नहीं होता जब वो घर से बाहर होते हैं या फिर आ, नहीं होते हैं उस टाइम पे आपको परेशानियाँ आना शुरू होती हैं पता नहीं क्यों ये होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर में आ, कोई भी बड़ी मुसीबत या फिर कोई भी बड़ी बला आनी होती है तो सबसे पहले बुजुर्ग उसे अपने ऊपर ले लेते हैं जानबूझ के नहीं लेते वो हो ही जाता है <laughs> तो ये फ़र्क पड़ता है इसीलिए हमेशा अपने घर में बड़ों को रखना चाहिए इसलिए नहीं कि आप सुरक्षित रहेंगे इसलिए कि सब पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा इसलिए भी रखना चाहिए यार ठीक है हाँ जी तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है तो अवार्ड मिला है आपके ए के सॉरी ए एम मेनन को ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा छोड़ देना अगला देखो अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी एलेना फनाचिनी ठीक है एलेना फनाचिनी का निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित है ये स्पोर्ट्स के सेक्शन ऐसे क्वेश्चन लाते हैं पता है ऐसे उत्पटांग पूछे जाते हैं किस खेल से संबंधित हैं भाई खेल के अब उन्होंने अवार्ड जीत लिया पूछ हमसे राय बताओ भला अच्छा है क्या है हाँ ना तो इनका खेल है आपके का का ठीक है है कहते हैं इस का, इस ऐसा खेल है जिसमें आप आइस के ऊपर अपने पैरों में वो पहन के और फिर दौड़ लगाना शुरू करते हैं दौड़ते नहीं मतलब तो उसी के हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है ऐसा हाँ जी आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि ए के विश्वनाथ का निधन हो गया वो कौन थे ए के विश्वनाथ ए के विश्वनाथ कोई और नहीं आपके फिल्मी निर्माता हुआ करते थे जिनका निधन हो गया फिल्मी निर्माताओं से कुछ ही पूछे जा रहे भाई आपके एस राजा मौली पूछे जाते हैं या फिर त्रिपल आर मूवी के जो त्रिपल आर मूवी के जो डायरेक्टर थे वो पूछे जाते हैं है ना इसके अलावा अभी विवेक अग्निहोत्री पूछे जा रहे हैं विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल जिसे अवस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया वो पूछी जा रही बाकी कोई पूछने नहीं जा रहे हैं है ना हाँ जी अगला क्वेश्चन है कि सैफ अंडर ट्वेंटी महिला फुटबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है इस क्वेश्चन में ना कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कि सैफ़ सैफ़ की जो सैफ प्रतियोगिता होती है सैफ प्रतियोगिता फुटबॉल को रिलेट करती है है ना और इसमें अंडर ट्वेंटी महिला फुटबॉल चैंपियनशिप इसका आयोजन किस देश में किया गया बताओ है ना तो सैफ अंडर ट्वेंटी महिला फुटबॉल चैंपियनशिप ये हुआ है आपके बांग्लादेश में ठीक है ये हुआ है हमारे बांग्लादेश में सब अपना ही है बाकी किसी का नहीं है अगला देखो अगला क्वेश्चन है भारत की अध्यक्षता में पहली जी ट्वेंटी एनर्जी ट्रांसी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक पाँच से लेकर के सात फरवरी तक किस शहर में आयोजित की गई तो जी ट्वेंटी के अंतर्गत तो बहुत सारी करीब दो सौ से दो सौ से ज्यादा मीटिंग हैं जो कि आयोजित की गई हैं है ना और इकसठ शहर का चुनाव किया गया था जहाँ पर जी ट्वेंटी मीटिंग होनी थी तो उस हिसाब से अलग अलग मीटिंग थी इनमें आपकी यूथ ट्वेंटी आपकी अर्बन ट्वेंटी आपकी जो युवा ट्वेंटी है ना ये सारी मीटिंग बड़ी कॉमन थी हर एक शहर में एक एक आयोजित की गई थी तो उन्हीं में से एक है आपकी जी ट्वेंटी एनर्जी ट्रांजिशन आपके वर्किंग ग्रुप इसकी इसकी समिट कहाँ पर हुई थी तो ये समिट आयोजित की गई थी बेंगलुरु में लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जी ट्वेंटी की सबसे पहली सबसे पहली जो बैठक थी कहां पे हुई थी तो वो हुई थी सबसे पहली मीटिंग हुई थी पुदुचेरी में है ना पुदुचेरी में इसको ध्यान रखिएगा ठीक है ये रही बात आगे देखो और सबसे बड़ी समिट हुई थी आपकी दिल्ली के भारत मंडपम में है हा ना हाँ जी अच्छा <laughs> वैसे डेली पढ़ो ना तो धीरे धीरे सब्जेक्ट दिमाग में आना शुरू हो जाता है और याद होता चला जाता है बिल्कुल मैं मानती हूँ उस चीज़ को अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के लिए किस राज्य के कैबिनेट ने 2000 किसानों को शामिल करते हुए डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए की राशि का निवेश और उसको लागू करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जिस मिशन का नाम है पुष्प कृति मिशन ठीक है पुष्प कृति मिशन तो किस राज्य ने पुष्प कृति मिशन लॉन्च किया है किसानों की हेल्प के लिए तो ये राज्य है आपका असम ठीक है असम वैसे क्वेश्चन के पूछने के चांस कम है लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान योजना कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू की है जिसे हम कहेंगे आपके हॉट कुक्ड फूड मील योजना है ना और किसानों के लिए टाइम टाइम पर अलग अलग योजनाएं लॉन्च होती हैं तो कभी भी ऐसी योजनाओं पर ज़्यादा फोकस करिएगा इन योजनाओं के कम्पेरिजन में ठीक आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में आयोजित इंडियन नेशनल कार चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है इंडियन नेशनल कार चैंपियनशिप अभी तक भारत में हमारे कार रेसिंग की कोई प्रतियोगिता नहीं हुआ करती थी है हा ना हाँ कार रेसिंग की कोई प्रतियोगिता नहीं हुआ करती थी लिखा होगा कहीं पे है ना हो जाता है है ना लिखा होगा हाँ जी तो अभी तक कार रेसिंग की प्रतियोगिता नहीं होती थी लेकिन विश्व भर में आपके ग्रैंड प्रिक्स के इवेंट खेले जाते थे तो उसी हिसाब से ये प्रतियोगिता भारत में खेलने की शुरुआत हुई अभी 2022 से ठीक है 2022 से पहला कार रेसिंग का प्रतियोगिता देखा गया था हैदराबाद में ठीक है देन चेन्नई में बाइक रेसिंग की प्रतियोगिता हुई फिर अलग अलग प्लेसेस में हुई फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुई ऐसी आपकी कार मतलब की इंडियन नेशनल कार चैंपियनशिप दो हजार ये कहाँ पर हुई ये हुई है आपके मतलब कि सॉरी किसने जीता है तो जीता है आपके साई संजय ने तीन चार प्लेस हैं वहीं पे आयोजित की गई थी ठीक है अगला देखो अगला क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रीय बीज सॉकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है कई बार ना थोड़ा सा सारे क्वेश्चन को कम मैंने बोला <laughs> कब बोला सारे क्वेश्चन को Uh, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि गलती से आ जाते हैं और उनको बताने की जरूरत होती है क्योंकि बच्चा जब पढ़ने बैठता है ना रिविजन के लिए वो सब पढ़ता है उतनी ही फोकस के साथ पढ़ता है इसीलिए बोलना पड़ जाता है इस पे ज्यादा टाइम मत देना ऐसा है हा ना हाँ क्योंकि पढ़ने से ज्यादा क्या नहीं पढ़ना ये पता होना चाहिए ऐसा तो राष्ट्रीय पहली बार राष्ट्रीय बीच सॉगर चैंपियनशिप 2023 हजार कहाँ पर हुई थी हाँ कहाँ पर हुई थी तो आयोजित की गई थी आपके केरल में है ना केरल में केरल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में यार लिटरली बहुत ज़्यादा चर्चा में चाहे आपका जल बजट को लेकर के हो चाहे वो आपके पांडुलिपि संग्रहालय को लेकर के हो चाहे आपके संविधान साक्षर जिले को लेकर के हो सबसे ज़्यादा साक्षर सबसे ज्यादा साक्षर जिला केरल का कोल्लम जिला है ना इसके अलावा पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य आपका केरल है तो केरल से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है जी अभी केरल ने जल बजट भी पेश किया था है ना पूरे भारत का पहला आगे देखो अगला क्वेश्चन है प्रशांत अग्रवाल को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है तो भारतीय राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं तो इनका नाम है प्रशांत अग्रवाल कहाँ पे नियुक्त हुए हैं नियुक्त हुए हैं आपके लाओस में है ना लाओस में इसको ध्यान रखना अगला देखो अगला है आपका 28वां क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार शामिल किए गए वाटर स्पोर्ट्स में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है तो खेलो इंडिया यूथ गेम ये 2022 का इवेंट था ई बोर्ड को क्या हुआ भाई चलो तुमसे खेल लेते हैं है हा ना हां जी तो अगर खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो 2022 का जो इवेंट है वो हुआ है 2023 में कहाँ पर खेला गया था मध्य प्रदेश में और इस बार के इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम में कुछ वाटर स्पोर्ट्स को जोड़ा गया था ठीक है जैसे कि कयाकिंग कनोइंग सलालम, रोइंग इनकी प्रतियोगिताओं को जोड़ा गया था उनमें से आपसे पूछ रहा है कि ये जो वाटर स्पोर्ट्स थे इनमें गोल्ड मेडल किस राज्य ने जीता था तो राज्य है आपका ए कुछ तो दिक्कत है यार है ना वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश क्योंकि मध्य प्रदेश में ही पूरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी तो आपको ऐसा फील हो सकता है और एक चीज और ध्यान रखिएगा वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी को ध्यान में रखते हुए आ, सबसे पहली पूरे भारत की सबसे पहली वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पर ओपन हुई है तो वो भी ओपन हुई है आपकी मध्य प्रदेश में कैनो सलालम अकादमी की स्थापना कहां पर की गई है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसको भी ध्यान रखना आगे चलो अगला क्वेश्चन है राज्य में ततैया की एक नई प्रजाति खोजी गई है तो ततैया ततैया की नई प्रजाति पे खोजी गई <laughs> ये सब कौन सा खेल है ये ऐसे खेल हैं जो दिमाग के ऊपर से जाते हैं ये हमारे साउथ इंडिया के ऐसे ऐसे खेल हैं जो कि त्योहारों में आयोजित किए जाते हैं नाव चलाने की जो प्रतियोगिता है पूरे भारत में सबसे पहले साउथ इंडिया में शुरू हुई थी खास करके तमिलनाडु चेन्नई केरल आंध्र प्रदेश यहाँ पे तो उस स्पोर्ट्स को हम बड़े लेवल पे बढ़ावा दे रहे हैं ये होती है आ, थोड़ी दिक्कत होगी ब्रजेश है ना थोड़ी दिक्कत होगी अब दो तीन बार बेल बजा दी कोई आई नहीं रहा क्या करें है ना क्या करें ऐसा तो तत की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है तो ये खोजी गई है आपके कर्नाटक में है ना कर्नाटक में ततया देखियो कभी लाल होती है एक पीली होती है एक तो चितकबरी होती है चितकबरी इन द सेंस कि लाल और पीली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये खोजी अभी गई है, लेकिन हमारे गांव में तो हम जब छोटे छोटे थे तभी देखने मिलती थी है कि नहीं तो लाल एक पीली एकदम पीली होती है एकदम एकदम एक लाल होती है लाल वाली काट देती तो बहुत तेज मतलब पे पे काटी वहीं पे इतना इतना जाता था भाई एक बार हमारी सहेली थी सुबह 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 पता नहीं कपड़े उपड़े लेने गई होगी भाई उसके नाक में काटा था मतलब इतना गंदा काटा था कि उसका ना बबरा टाइप फूला हुआ था और वो फिर उसके बाद से उसको ही आना शुरू हो गई थी तो एक अलग एक्सपीरियंस था उसके ततया तो काटने का तो ये कर्नाटक है है ना तो एक नई प्रजाति खोजी गई है अगला देखो आखिरी क्वेश्चन है ये कि अभी हाल ही में किस दिन स्प्रिंट दुती चंद्र का जन्म दिवस मनाया जाता है तो द्वितीय दिवस हम मनाते हैं तीन फरवरी को ठीक है तीन फरवरी को ये भी ऐसा ही है तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए थे इसके अलावा एक बार फिर बता दें ठीक है एक बार फिर बता दें कि आप लोगों की एक बहुत बड़ी इवेंट की शुरुआत हो रही है जो है शंखनाद को लेकर के शंखनाद अपने आप में बहुत एक बड़ा इवेंट होगा ध्यान रखिएगा सबको यहाँ पे आना है दो दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी और अभी मैं धीरे धीरे एकदम रिकवर करके आऊँगी दो दिसंबर को आपकी क्लास शुरू होगी पाँच सौ घंटे की लगातार क्लास रहेगी तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी बच्चा इधर उधर ना जा पाए सबको बता देना सबको यहाँ पे प्रेजेंट रहना है इसी के साथ यहाँ पे जब मेरी क्लास होगी करंट अफेयर की तो करंट अफेयर को लेकर के हम वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स से क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के हिसाब से होंगे मैं वहाँ पे फिर नहीं बोल सकती किसको मत ध्यान देना ये नहीं पूछा जाएगा वहाँ पे हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसमें बिहार के करंट अफेयर शामिल होंगे है ना तो वहाँ पे सबको रहना है ठीक है ये रहा आपका संखनाथ को लेकर के इसके अलावा अभी सबको पता है कि आपके बिहार अड्डा के महापैक पे डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है तो जो लोग भी इनरोल नहीं हो पाए हैं सबसे बेहतरीन मौका इसी टाइम पे है आप आसानी से इनरोल हो सकते हैं सिंपली कुछ नहीं करना है अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आपके चैट बॉक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगी होगी ऐप डाउनलोड करने की सबसे पहले अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि करेंट अफेयर मिलते हैं डेली क्वजेस मिलते हैं आपके वो कैब का सेक्शन होता है आपको लाइव क्लासेस वहाँ पे दी जाती हैं है ना और और भी बहुत कुछ जॉब अलर्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पर आता है तो वहाँ पर आपको एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए वो मिलेगा सबसे हेल्प करती हैं क्वेस है ना क्वेस तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं और स्टोर पर जा के कोई भी बैच परचेस कर सकते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको स्टेट एग्जाम में जाकर के बिहार को सेलेक्ट करना होगा आप फोन डाउनलोड ऐप डाउनलोड करेंगे फोन में तो ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी लेकिन अगर कुछ भी ना समझ में क्रोम में जाना सीधे सर्च करना अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पहले लिंक आपके सामने ओपन होके आएगी जो कि यहाँ पे अभी ओपन नहीं हो रही है अलग पोपट किए बैठे रहते हैं है हाँ ना हाँ जी तो हाँ जी हाँ तो यहाँ पे आप ओपन <laughs> ही नहीं हो रहा यार हाँ जी तो ठीक है जब आप स्टोर में जाएंगे ना तो आज बहुत डबल वैलिडिटी ऑफर है आप सभी लोगों के लिए तो आप जा करके वहां से कोई भी बैच सिलेक्ट कर सकते हैं है ना कोई भी बैच सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं खास करके स्पेशली महापैक का है न महापैक का तो ये आपके बिहार महापैक का सारा सेक्शन है यहाँ पे आप बिहार से संबंधित टीचिंग एग्जाम से संबंधित जितनी भी प्रिपरेशन है सारी यहाँ पे कर सकते हो ठीक है और बाकी के बैचेस ये बिहार एस एस सी इंटर लेवल टेन प्लस टू को लेकर के हैं यहाँ पे आपकी बुकलेट लॉन्च की गई थी आप इसे प्रैक्टिस के लिए अपने पास मंगा सकते हो है ना ये विनायक थ्री पॉइंट ओ बैच है इसमें भी आप जुड़ सकते हो इसके अलावा बहुत सारे बैच हैं जितने भी बैच हैं उन सभी से आप ऐड हो सकते हो इस टाइम पर डबल बेलिडिटी ऑफर को लेकर के तो यहाँ पर कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा वाई सिक्स एट थ्री ठीक है वाई सिक्स एट थ्री जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी आपके बैचेस में रोल होने के लिए ठीक है तो ये कूपन कोड है वाई सिक्स एट थ्री ओके थैंक यू क्लास थैंक यू सो मच और सुबह सात बजे ना? है ना अच्छा याद दिलाए सुबह सात बजे आपके सेवन ए एम पे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उस क्लास में भी आया करिए है ना तो करंट अफेयर की क्लास में कल सुबह सुबह हम लेंगे और सब वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे ठीक है तो ये आपकी करंट अफेयर की क्लास और डेली जब पढ़ना शुरू करेंगे तो जब आज से शुरुआत होगी तो छः महीने बाद आपको वो चीज़ें कवर हो के मिलेंगी छः महीने बाद आपको रिजल्ट दिखेगा कि हाँ यार करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं तो उसका अब फल मिल रहा है क्योंकि जब छः से आठ महीने का आप सोचें कि एक ही बार में करंट अफेयर पढ़ लें तो पॉसिबल नहीं है ना हर दिन में पंद्रह से सोलह सत्रह क्वेश्चन होते हैं तो उनको आप एक बार में याद नहीं कर सकते ठीक है ये रही बात तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक यू क्लास थैंक यू सो मच बाय